तो फिर से आप सभी को एक नए वीडियो पर स्वागत करता हूं। मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं डिजिटल जोन रोशन। जैसा कि आप सभी का कमेंट आया था यहां पर, मेरे पास कमेंट बहुत सारा ऐसा आया था कि जिनका पेमेंट कई लोग बहुत सारे लोग फेल हो चुका था, जिसमें आप सबको यहां पर कमेंट दिखाना चाहता हूं। यहां पर आप देख पा रहे हैं कमेंट में यहां पर बहुत लोग ऐसा आया था जो यहां पर लिखा हुआ था पेमेंट हो चुका है बट रिसीव्ड नहीं मिला, क्या करें। तो मैंने यहाँ पर लिखा था कॉलेज कॉन्टैक्ट करने की, तो मैं इसके बारे में आपको डिटेल जानकारी दूंगा कि कॉलेज कॉन्टैक्ट करना होगा या खुद से पेमेंट इसका सक्सेस होगा, या पेमेंट कट चुका है तो उसका पेमेंट का स्लिप कैसे निकला उसका मैं कंप्लीट जानकारी दूंगा। और भी यहाँ पर बहुत सारे ऐसे आया था भैया मेरा फॉर्म में सब्जेक्ट गलत हो गया है तो क्या करेंगे, तो इस स्थिति में क्या करना है, मतलब बहुत सारे ऐसे गलतियाँ हुई थी मतलब एडमिशन लेते समय, इंटरमीडिएट में एडमिशन लेते समय, तो उन सभी का इसमें आपको सुधार क्या क्या होगा, कैसे कैसे सुधार होगा, जो अप्लाई कर चुके हैं जिनका पेमेंट कट चुका है तो उनका कैसे कैसे सोल्यूशन होगा, उन सभी का मैं कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर किसी भी तरह का अगर ऑनलाइन से प्रॉब्लम अगर आता है तो हमें आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं डिजिटल जोन रोशन, ये वाला चैनल आपका ओपन होगा, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको बहुत सारे वीडियो यहाँ पर आपको अवेलेबल मिलेगा जो आपको ऑनलाइन से संबंधित होगा या आपको जॉब से रिलेटेड जो भी संबंधित होगा, यहाँ पर सभी वीडियो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आपको यहाँ पर सभी चीज़ का वीडियो बनाया हुआ है, जैसे कि अभी यहाँ पर अभी बिहार में यहाँ पर एडमिशन हो रहा है, ऑनलाइन एडमिशन हो रहा है सभी का, तो एडमिशन के लिए यहाँ पर बहुत सारे वीडियो बनाया गया, जैसे यहाँ पर सिन्हा कॉलेज के लिए, जादव कॉलेज के लिए और भी बहुत सारे कॉलेज के लिए जिस जिसका मतलब वीडियो बनाया उन सभी का यहाँ पर कई लोगों का प्रॉब्लम आया था तो उन सभी का सोल्यूशन देने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बात करता हूँ यहाँ पर सिन्हा कॉलेज के बारे में। तो चलिए मैं यहाँ पर सिन्हा कॉलेज का वेबसाइट टाइप कर लेता हूँ और यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ इस वेबसाइट को। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर मैं सोल्यूशन इसका बताता हूँ कि आपको क्या सोल्यूशन इसका करना होगा। जिनका पेमेंट कट चुका होगा तो पेमेंट कट चुका तो उनका सोल्यूशन क्या करना होगा, तो पेमेंट के लिए आपको जिनका कट चुका है पेमेंट, तो जैसे मान लीजिए आप पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट करते समय UPI से कर रहे हूँ या डेबिट कार्ड से कर रहे हैं, तो उन सभी के माध्यम से अगर पेमेंट आपका फेल हो गया है किसी वजह से और पेमेंट आपका कट चुका है तो उस स्थिति में आपको रिसिप्ट भी प्राप्त नहीं हुआ होगा और वहाँ पर अनपेड भी शो हो पा रहा होगा, तो उस स्थिति में आपको कॉन्टैक्ट करना होगा कॉलेज में। आपको कॉलेज में जाना है, कॉलेज के यहाँ पर सिन्हा कॉलेज में अगर जाते हैं तो सिन्हा कॉलेज में आपको कंप्यूटर विभाग में जाना होगा, यहाँ पर जो कंप्यूटर लैब होगा वहाँ कंप्यूटर विभाग में जाएंगे और वहाँ पर जो भी आपका प्रॉब्लम है आप वहाँ पर प्रॉब्लम बताएंगे, आपको सोल्यूशन वहाँ पर 100% सोल्यूशन होगा। यानी कि आपको अगर पेमेंट कट चुका है, आपका स्लिप प्राप्त नहीं हुआ है, तो आप अपने कंप्यूटर विभाग में जाएंगे, जो भी आपका डिटेल है सभी डिटेल लेकर जाएंगे। वहाँ पर आपको क्या करना होगा कि अपना ट्रांजैक्शन जो आप जिस आईडी से किए होंगे, यानी कि जिस डेबिट कार्ड या UPI के माध्यम से किए होंगे, तो उसका ट्रांजैक्शन आईडी आपको जरूर मिला होगा। जब आपका पेमेंट कटा होगा तो पेमेंट का वहाँ पर ट्रांजैक्शन आईडी जरूर आता है, जब जैसे ही आपका पेमेंट कटा तो मैसेज के रूप में जरूर आपका आता है, मैसेज के रूप में आपको पेमेंट इतना डेबिट हुआ है और ट्रांजैक्शन आईडी भी साथ में वहाँ पर देता है। लेकिन आपको ट्रांजैक्शन आईडी वहाँ पर देता है लेकिन आपको जो पोर्टल होता है उस पोर्टल में आपका रिसिप्ट प्राप्त नहीं हुआ था, सक्सेस वहाँ पर नहीं हो पाता, वहाँ पर अनपेड शो करता है, तो आप उस वाले ट्रांजैक्शन आईडी जो आपको मोबाइल पर मैसेज आया होगा उस वाले मैसेज को लेकर जाना अपने कंप्यूटर विभाग में और वहाँ पर जाकर आपको आपको वो दिखाना है और अपना प्रॉब्लम बताना है कि मेरा पेमेंट करते समय पेमेंट कर चुका है लेकिन सोल्यूशन नहीं हो पाया, अभी तक मेरा पेमेंट रिसिप्ट नहीं हो पाया है। तो वहाँ पर जाएंगे आप अपना प्रॉब्लम बताएंगे तो वहाँ पर आपका 100% सोल्यूशन होगा। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर 100% सोल्यूशन होगा। तो यहाँ पर मैं यही इसका अपडेट देना चाहता था और यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर पर भी आप डायरेक्ट इसका बात कर सकते हैं, जो भी इसका हेल्पलाइन नंबर है हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट करके इसका बात कर सकते हैं कि मेरा प्रॉब्लम इस तरह का है, मेरा पेमेंट कट गया है तो मैं इसमें क्या करूँ, तो वहाँ पर आपको 100% सोल्यूशन बताया जाएगा। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर RLS यादव कॉलेज के बारे में। यहाँ पर यादव कॉलेज की यहाँ पर भी इस तरह का समस्या बहुत सारा आया है, तो यादव कॉलेज वाला वेबसाइट इस वाले वेबसाइट पर चले आएंगे, इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा या तो यहाँ से भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इस वाले वेबसाइट पर आने के बाद आपको इसमें भी उस तरह का अगर समस्या आया है जैसे पेमेंट कट चुका है आपका और पेमेंट स्लिप प्राप्त नहीं हुआ है या और भी किसी तरह का अगर गलत हो चुका है सब्जेक्ट ऑनर्स या कोई भी गलत हुआ, तो आपको क्या करना है कि इस वाले नंबर पर आपको बात करना है, जो यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर दिया गया है इसी नंबर पर आपको बात करना है और यहाँ से आपको 100% सोल्यूशन होगा। यहाँ अगर सोल्यूशन नहीं होता है तो आप अपने कॉलेज में जाएंगे, जो भी डॉक्यूमेंट आपका है जैसे मान लीजिए पेमेंट कट गया तो पेमेंट का स्लिप या उसका ट्रांजैक्शन आईडी या तो ट्रांजैक्शन आईडी का मैसेज जो आया होगा उन सभी डिटेल को लेकर जाना है आपको और डिटेल लेकर जाने के बाद वहाँ पर आपका 100% सोल्यूशन होगा। तो आप अपने नज़दीकी कॉलेज जो जिस कॉलेज के लिए अप्लाई करें उस वाले कॉलेज के पोर्टल पर जाना होगा, उसी पोर्टल पर आपको कॉन्टैक्ट डिटेल मिलेगा, जैसे यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट डिटेल मिला गया। यहाँ पर आपको ऑफिस टाइम में कॉल करना है, ये नहीं कि आप किसी भी टाइम फ़ोन कर रहे हैं, आपको ऑफिस टाइम फ़ोन करेंगे उसी टाइम को फ़ोन रिसीव किया जाएगा और आपको 100% वहाँ भी सोल्यूशन दिया जाएगा। तो इस तरह का अपडेट आपको पाने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना है, जो आपको ऑनलाइन से संबंधित इस पर आपको हर एक तरह का वीडियो मिलेगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मन में अगर इससे रिलेटेड अभी भी अगर कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा।